बीजेपी ने अपने सबसे प्रमुख युवा चेहरों में से एक तेजस्वी सूर्य को आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया है, जिससे राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका और प्रभाव को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रमुख 30 साल के सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से सांसद है। उन्हें पार्टी में हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर देखा जाता रहा है, साथ ही वो कांग्रेस के कट्टर आलोचक भी रहे हैं। हालांकि बीजेपी द्वारा बुधवार को जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य और केंद्र के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सूर्या का नाम नहीं होना ये संकेत नहीं है कि पार्टी की तरफ से उन्हें नजरअंदाज किया गया हो। हाल ही में विमान में इमरजेंसी गेट खोलने को लेकर हुए विवाद के कारण पार्टी उन्हें रणनीति के तहत उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र पर फोकस रखने के लिए कह रही है। हालांकि इस पर जानकारों का कहना है कि हर किसी पर हर समय चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी का बोझ नहीं डाला जा सकता है। वो कर्नाटक से संसद के सदस्य है और एक लोकप्रिय नेता है। वो वैसे भी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को संगठन के लोगों की भी जरूरत है, जिन्हें बैठकों के लिए शॉर्ट नोटिस पर भेजा जा सके। जानकारी के मुताबिक लिस्ट से सूर्या की अनुपस्थिति का मतलब ये नहीं है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सक्रियता नहीं रहेगी। हालांकि सूर्या ने अभी तक इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उनके करीबी सूत्रों ने कहा है कि बीजेपी नेतृत्व ने सभी युवा नेताओं को सूची से बाहर रखने का फैसला किया है। एक सूत्र ने कहा कि तेजस्वी सूर्या को राज्य भर में कम से कम 50 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए कहा गया है। वो कल पुत्तूर, बेंदूर और शिमोगा में होंगे। गौरतलब है कि बीजेपी को कर्नाटक में कांग्रेस और उसके पूर्व सहयोगी जनता दल सेक्युलर से कड़ी चुनौती मिल रही है, जहां 224 सदस्यीय विधानसभा में उसके पास 114 सीटें हैं। चुनाव 10 मई को होने वाले हैं और 13 मई को नतीजे आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।